विश्वास का नहीं होता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का नहीं होता है, ये टाटा का भरोसा है। जैसा सभी के लिए ज्ञात हुआ कि भारत सरकार ने संसद में एक नया बिल पास किया है, जिस नए बिल में जीवित पशुधन का निर्यात, क्योंकि जीवित पशुधन का निर्यात यदि भारत से होगा तो निश्चित सनई सनई हमारे पशु कम होते चले जाएंगे और भारत की जो संस्कृति है पशुओं के पालन की, अतिथियों के सम्मान की, तो वो संस्कृति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति आदि में गाय के लिए माता माना जाता है और उन सबका मानना है कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है, और ये सब जब वहाँ जहाँ निवास होता है और हम गाय को माता मानते हैं, ऐसा पशुधन यदि भारत से निर्यात हो तो निश्चित एक माँ का निर्यात हो रहा है, तो उससे अहिंसक लोगों के मन की विफलता उत्पन्न हुई, मन में विफलता उत्पन्न हुई, क्षोभ उत्पन्न हुआ और बड़े दुखी मन से उनकी भावनाएं कुंठित हुई, तो उन्होंने एक आवाज़ उठाई। जब अहिंसक समाज ने इस आवाज़ को उठाया कि हमारे भारत से जीवित पशुधन का निर्यात नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति का ह्रास होगा, हमारे पर्यावरण में दूषण आएगा, हमारा पर्यावरण दूषित होगा, इस सारी भावनाएं जब उनके अंदर उत्पन्न हुई तो अहिंसक समाज ने बीड़ा उठाया कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे और पशुधन को विदेशों के लिए निर्यात नहीं होने देंगे। अहिंसक समाज की ये भावनाएं जब बने, जगह जगह से मांग उठे कि इस बिल को रद्द किया जाए, और अजमेर से भी हमारे साथ संपूर्ण जैन समाज के साथ साथ संपूर्ण सनात लोगों ने इस वीड़ा को उठाया और ज्ञापन दिया, और ये आवाज संसद तक पहुंची, अहिंसा प्रेमियों की, शाकाहारी लोगों की, और इस आवाज से जब प्रधानमंत्री, चूंकि स्वयं शाकाहारी हैं और प्रधानमंत्री स्वयं गाय के भक्त और इस भारतीय संस्कृति के भक्त हैं, वो भी इस सनातन संस्कृति के भक्त हैं, उनकी तक आवाज पहुंची, उनकी मना स्थिति में परिवर्तन आया और उन्होंने, संपूर्ण सरकार ने जीवित पशुधन निर्यात का बिल संसद में पुनः रद्द किया, जिससे अहिंसक समाज की भावनाओं को बल मिला और अहिंसा धर्म के अहिंसक लोगों की जीत हुई है। इस प्रकार से इस बिल को कदापि कभी भी आगे भविष्य में भी कोई भी केंद्र में सरकार आए, किसी प्रकार की सरकार आए, जीवित पशुधन किसी भी प्रकार से निर्यात नहीं होना चाहिए और आगे भी इस पर प्रतिबंध रहना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि गौवंश का मांस भी भारत से निर्यात ना हो, ऐसी मेरी भावनाएं हैं। दिनांक 7 जून को मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा, केंद्र सरकार के विभाग के द्वारा एक नोटिसिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर जीवित प्राणियों को, लिविंग स्टॉक को एक्सपोर्ट करने की बात कही गई थी, और उसका समय, जिसको भी विरोध करना था उसका समय मात्र 10 दिन का दिया गया था, जो कि हमारे जो संविधान के मूल नीति निर्देशक तत्व हैं उसका उल्लंघन करते हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना थी, लेकिन जैन समाज बहुत जागरूक समाज रहा है, उन्होंने 10 दिन के अंदर लाखों लोगों से ईमेल करवा के उसका विरोध करवाया, और उसका सुखद परिणाम यह आया कि आज जो भी अहिंसक और जीव दया प्रेमी समाज है उनके लिए कि आज बड़ी खुशी की लहर दौड़ी जब सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया है, करंट किया है। तो हम जैन समाज के माध्यम से, सकल जैन समाज के माध्यम से माननीय सीएन सिंह साहब, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जीवों को प्रति करुणा देकर के, एक बहुत बड़ा अभयदान देकर के बहुत बड़ी कृपा की है। जैन समाज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। प्रकाश जैन महासचिव, दिगंबर जैन महासंघ अजमेर, आचार्य विवेक सागर जी महाराज की प्रेरणा से अजमेर के अंदर इस आंदोलन को चलाया गया, और आचार्य जी की आशीर्वाद ही रहा कि जिसके परिणाम इतने सुखद और जल्दी निकल करके आए, और जिलाधीश महोदय का बहुत अच्छा कोऑपरेट रहा कि जिन्होंने वेरी सेम डे इसको बहुत तीव्रता के साथ इसको केंद्र सरकार को पहुंचाया, उसका ये सुखद परिणाम।